यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम वगैरह हैं। ये वाला एयरफोन मिल रहे हैं यहाँ पे 100 रुपए में 4 पीस एयरफोन। मेरे घर में ये वाला था, देसी मुर्गी बहुत बड़ा सही है। ओके गाइस, तो यहाँ पे कड़कनाथ भी है। ओके गाइस, बहुत दिन हो चुके हैं लास्ट ब्लॉग अपलोड किए हुए। एक्चुअली में होता है कि मैं बहुत सारा शूट तो करके रख चुका हूँ, बट एडिट करके अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। अभी भी मेरे पास कम से कम 8 से 10 ब्लॉग का डाटा है, बट कब एडिट करूंगा और कब अपलोड करूंगा आई हैव नो आइडिया। अभी तो मैं एक नया चैनल भी ओपन कर चुका हूँ आर्ट से रिलेटेड, यस, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं अपना ब्लॉगिंग डाल रहा हूँ, आर्ट को इसमें अटैच नहीं करना चाहता। स्केच, ड्राइंग, ये सब आर्ट के लिए मैं अलग चैनल ओपन कर चुका हूँ, यूजर नेम आ रहा है और साथ ही साथ लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करो क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग आएगा। एक तो अपलोड कर चुका हूँ अच्छा खासा। एनीवे स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ अच्छा से स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 3 महीने पहले का बात है, मैं बीजे और नयन तीन लोग गए थे झारसुगड़ा। एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, जिसका नाम है दुलदुली। वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम था, ज्यादातर फार्म से लेके था किसानों के ऊपर कि कैसे वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो मुझे ये कंटेंट काफी अच्छा लगा था इसलिए मैं गया, कंटेंट बनाया। ओके गाइस, हम लोग आधे घंटे से चल रहे हैं बट हम लोग पार्किंग का एरिया क्रॉस नहीं किए, यहाँ पे मेन गेट दिख गया। झारसुगड़ा जिला महोत्सव इस खतरनाक भीड़ भीड़ एरिया में ना फोन लेके किया हूँ ऐसे। तो सब यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो, ये भी स्टॉल ही है शायद, जाके देखते सभी पता चल जाए कहाँ पे क्या क्या है। और एक तरीका से कल्चरल प्रोग्राम है तो ये सब तो होना ही था। माइल्स अमेजिंग फूड, मतलब कि यहाँ पे बीज जो होते हैं जो फसल के बारे में बताया गया है नयन भाई इसके साथ। वहाँ पे एक छोटा सा स्टेज है, 8:30 हो चुका है, 9 बजने वाला है और अभी तक हम लोग अंदर में अच्छे से आए हुए नहीं है। फोटो लेंगे ना यहाँ पे, थंबनेल तो मिल जाए। नयन को ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। नयन खो गया जो मेरा दोस्त था नयन, वो खो गया। बताता हूँ कैसे खोया वो। एक तो वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मैं बीजे रुक गए, नयन नयन थोड़ा नेटवर्क ढूंढे बाहर थोड़ा गया, अंदर तरफ गया और वो खो गया। अब कॉल करके तो पूछ नहीं सकता कि कहाँ पर है, हमको लग ही नहीं रहा है। तो कैसे कैसे करके बहुत टाइम बाद हम तो ढूंढ ही रहे थे, कैसे कैसे किसी और का ना फोन लेके कॉल किया मुझे, उसका नेटवर्क था और उसका कॉल लग गया। तो बस ऐसे हम लोग मिले और ऐसे ढूंढे, मुझे पूरा स्पॉइल कर दिया वो हम लोग का आज का प्लानिंग। उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम था, बोला था कुछ गायब हो गया है, नेटवर्क नहीं था, अभी ढूंढ रहे हैं। हॉकी जहाँ फोटो खींचे थे वहीं पे, और दिख भी गया वो, देख वो वहाँ पे किसी और का फोन से कॉल किया था, यहाँ से अटकता फिर आप फंसता होते। हाँ, किसी मांगा होगा कॉल तो कॉल किया है वो, मांग के कोई नहीं मांगता तो फंस जाता। बोला वहाँ से आने के लिए देख नहीं रहे हम लोग कहाँ है कहाँ नहीं, ऐसे करके जा रहे हैं मार हम, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे, कॉल भी नहीं कर पा। क्यों भाग रहा है? चलो चल, मिल तो गया, इसका नंबर मिल गया तो बेचारा तुमने बुलाया, नहीं तो आगे इसको छोड़ के घर जाते हैं। ये वाला वीडियो नहीं छोड़ेगी। हो गया क्या, हो गया बेसिक, क्या हो गया था, बोल गुम हो गया, वो हो गया था भाई। 9 बज रहे हैं अभी टाइम। इस मेला में हम लोग 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया कि क्या पे क्या है। यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम वगैरह हैं, अलग अलग बोतल है या पता नहीं कौन सा कंपनी का वो वाला परफ्यूम, पता नहीं। मेरा तो हमेशा सब पार के वीडियो बस वही लगा था। सॉक्स कितना? 100 रुपए, 120, 150। यहाँ पे सब सामान 10 रुपए मिल रहा है, यही सब सामान 10 रुपए लायक भी नहीं है। ये वाला एयरफोन मिल रहा है यहाँ पे 100 रुपए में 4 पीस एयरफोन। नहीं, आज का चाटा कॉम्बो थे, कल बिल्कुल नहीं रहे ये फोन, कल तो मिला ही नहीं होगा तो कहाँ से ऑफर रहेगा। ओके, लेकिन बात सही है, वो यूज करो, फेंको वाला सिस्टम। यहाँ स्वेटर जैकेट सब ट्रैक्टर वगैरह का पूरा लगाया गया है यहाँ पे स्टॉल, मतलब बैक लाइट देखो इसका। एक ऐसा अभी नयन का यहाँ पे फोटो खींचता हूँ अच्छा वाला। ये ला पता है कौन सा मशीन है, वो खेत में जो बीज डालते हैं ना वो मशीन है, काटते भी हैं डालते हैं, मतलब ऑल टोटल काम कर लेते हैं ये मशीन। वो लाइट के पास दिख रहा है ना, ब्लैक वाला है, पूरा मछली का स्मेल दे रही है यहाँ पे।
मेरे घर में ये वाला था और ये वाला था, लेकिन ये बड़ा है बस साइज, क्योंकि एक्वेरियम का साइज बड़ा है ना, इस साइड का एक्वेरियम मेरे घर में लग गया है ना, मजा आ जाएगा, क्योंकि इस साइड का घर में घुसना मुश्किल है। टच द ग्लास, प्लीज डू नॉट टच द ग्लास, प्लीज डू नॉट टच द ग्लास। पे मुर्गी देख क्या, यहाँ कितना बड़ा मुर्गी है। ओके गाइस, यहाँ पे हाइब्रिड मुर्गी एक दिखा, बहुत सही है, बड़ा है, देसी मुर्गी। कितने किलो पड़ेगा इसका? 1200 कितने किलो रहा है? ओके गाइस, तो यहाँ पे कड़कनाथ भी है। दोस्त मैं कड़कनाथ का भी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। कड़कनाथ तो पता है बोलते हैं जो मांस ना ब्लैक होता है, खून भी ब्लैक होता है, बहुत सारी बीमारी चले जाती है खाने से। उतना खास यहाँ पे है नहीं, जैसे हर मेला में हम देखते हैं ना, बस वही है जो स्पेशल था, जो अलग लगा हम आपको दिखा चुके। तब निकले ना, हो गया तो एग्जिट तो हो गया। यहाँ पे हम दो बार आ चुके हैं ना, ये लगे गेट क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन एग्जिट का पता नहीं चल रहा है। तो पकड़ पकड़ उसको, घूम जा रहा है भाई, ये अपना घूम जाता है भाई। विजय पास में ही रह तो घूम हो जाएगा। बस इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नया के साथ। फिर मैं गई जल्दी चलते, बाय। रुक नहीं रहे, घूम रहे हैं, मेरे को एक्सप्लोर करने नहीं दे रहे। सुनो तो थोड़ा देख रहे, चलो मेरे को साथ देखने तो क्या क्या लगा है वहाँ।